वीडियोस लेट आ रही हैं, बाकी कमिटमेंट्स भी हैं, इसीलिए थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ। इनफैक्ट ये वाला वीडियो भी अभी मैं लाइब्रेरी से वापस आके बना रहा हूँ। सो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि टिपिकल डे कैसा होता है आई सर्वी स्टूडेंट का, तो मैं ट्राई करूँगा कवर करने का एक वीडियो में। बट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूँ तो यू वेकअप एट 8 और यू वेकअप एट 9 डिपेंडिंग ऑन मेरे फर्स्ट क्लासेस। एंड यूजुअली 8 बजे क्लास के लिए इनिशियली जब आओगे तब तो बहुत ऐसा रूटीन में रहोगे, 6 AM उठ जाओगे, फिर धीरे धीरे करके 7:55 पे उठने चालू कर दोगे 8 बजे क्लास के लिए, या फिर 8 बजे क्लास के लिए 8 बजे उठने चालू कर दोगे। देन यू विल रश टू योर क्लासेस। मैं स्कूल जाता हूँ सुबह 7:30 बजे, बट मोस्टली 8 बजे वाली क्लास के लिए लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, या तो बस दूध पी के भागते हैं। फिर आफ्टर यू आर डन विथ ए मॉर्निंग क्लास, यूजुअली मॉर्निंग की जो क्लासेस होती हैं वो 12 तक ओवर हो जाती हैं। देन होता यह है कि आईसर में हर एक घंटे पे क्लास होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 7:30। अब डिपेंडिंग कि किस स्लॉट में आपकी क्लासेस हैं, लाइक मेरा इस बार क्या है, मेरी वीक में 3 डेज सुबह 9 बजे क्लासेस हैं, फिर आफ्टरनून में क्लास है, फिर 3 to 6 क्लास रहती है, और 6 to 7:30 क्लास रहती है। और यूजुअली ऐसे ही रहेगा, या तो हफ्ते में 3 क्लास रहेंगी 1 घंटे की, और नहीं तो 1.5 घंटे की 2 क्लास रहेगी। आफ्टर दैट इज़ डन यू कैन गो टू आइदर लाइब्रेरी टू स्टडी मोर, और यू कैन गो टू योर रूम टू वॉच मूवी, प्ले पबजी और वॉट एवर, और यू कैन एन्जॉय द स्पोर्ट्स फैसिलिटी एट ICRB विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। लाइक मैंने बहुत साइकोलॉजिस्ट का देखा है, ICRB का स्पोर्ट्स इंफ्रा लाजवाब है, स्क्वाश, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, एथलेटिक्स सब है। और या सो डिपेंडिंग ऑन वॉट यू डू आफ्टर योर अकेडमिक कमिटमेंट इज़ ओवर, यू गो एंड डू दैट। यूजअली पोस्ट डिनर यहाँ पे क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं, सो आप क्लब एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हो सकते हो, विच आई विल हाईली रिकमेंड एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, बिकॉज काफ़ी कुछ सीखने मिलता है और काफ़ी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करने मिलता है। एंड ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता किसी एक पर्सन का, अनलेस एंड अंटिल वो बहुत ज़्यादा नर्ड हो, या फिर उसका बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि मुझे पढ़ाई ही करनी है। बाकी लोग बैलेंस करके चलते हैं, और मोस्टली लोग एग्ज़ाम से 1-2 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर 1-2 रात पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स यहाँ पे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, विच मीन्स सैटरडे संडे कोई नहीं देखता यहाँ पे, उनके अगर प्रोफेसर का मन हुआ एग्ज़ाम लेने का वो एग्ज़ाम ले लेगा। एंड कंपोनेंट्स भी प्रोफेसर पे होते हैं, हर सेमेस्टर की ग्रेडिंग स्कीम आती है, सभी मेरी करंट ग्रेडिंग स्कीम के हिसाब से कुछ प्रोफेसर्स मल्टीपल क्विजेस ले रहे हैं, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और कुछ मिक्सचर ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स प्लस क्विजेस अपार्ट फ्रॉम योर मिड सम एग्ज़ाम्स एंड एंड सम एग्ज़ाम्स। तो बाकी स्केड्यूल रफली बोलूँ तो 8 to 7:30 का है, जिसमें आपको अपना कमिटमेंट देना है। अगेन एक चीज़ बोलना भूल गया था कि सब में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती, सो कुछ लोग ये भी करते हैं कि जिसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है उसमें काम से लाइक क्लासेस गए बाकी टाइम चल गया। ऑल दो ये इंडिपेंडेंस फर्स्ट 2 ईयर्स में नहीं रहती है, 3rd ईयर ऑनवर्ड आप ये इन्जॉय कर सकते हो कि, बट उसमें भी एक इशू ये है कि आप अगर क्लासेस मिस करने का सोच रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है प्रोफ जो होता है वो जानबूझ के वही क्वेश्चंस देता है जो उसने या उससे रिलेटेड उसने कुछ क्लास में डिस्कस किया हो, तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। खैर ये सब तो आप तब देखोगे जब यहाँ आओगे, बट 8 to 7:30 यू गॉट टू डू द एकेडमिक वर्क, आफ्टर 7:30 यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और बाकी मूवी सेशन, एनिमे सेशन, गेमिंग सेशन सब होता है यहाँ पे, वो अबंडेंस में होता है, उसकी कमी नहीं होती। सो या दैट्स इट, गुड लक।